तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच बिकार तिन संतन का वंदना सिर चरणन पर तार एकंकारा सतगुरु तेहे प्रसाद सच हो वाहिगुरु जी की फतेह बिघन विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जैत सिंगारू जोग सिख भारी जोदा बड़े निरपै उपकारी जैत सिंगारू जोग सिख भारी परम सम्मान जोग गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डियां भागां वाले हो जिन्हां नूं गरीब नवाज दसां पातशाहियां दे पावन प्रतख स्वरूप तख्त चवर छत्र दे मालक सतगुरु लोग परलोक दियां बख्शिशां दे दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन परम पवित्र हजूरी अंदर जुड़ करके दमदमी टकसाल दा उह महान केंद्रीय हैडक्वार्टर अस्थान गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे जिस अस्थान ते जून 84 दे तीसरे घल्लूघारे दे शहीद सिंघां ने अपना जीवन इस अस्थान ते आके जथेबंदी दे विच रह के गुरमत दी सिक्ख्या प्राप्त कीती और नाल नाल गुरमत दे परपक धारनी बने गुरबाणी नाम सिमरन दियां महान कमाइयां अते महान गुरु घर दियां सेवावां करके अपने जीवन नूं सफल कीता है। यह स्थान उन्हां शहीदां दी कर्म भूमि है जिस स्थान तों उन्हां नूं जीवन विच यह महान गुरमत दियां गुरसिखी दियां दातां प्राप्त होईयां गुरमत दी विद्या दी प्राप्ति होई और अज साध संगत जी 5 जून दा दिहाड़ा है। 5 जून दा सारा दिन सारी रात एक भी पल ओ जोधे सिंह ओ समय रण भूमि दे अंदर जूझ रहे सन और एक पल भी कोई चैन नाल सुत्ता नहीं किसी ने आराम नहीं किया
और 24-24 घंटे लगातार जालमां दे नाल जूझदे हुए शहीदियां नूं प्राप्त कर रहे हैं। सो सात संगत जी, सचखंड श्री हरिमंदर साहिब और श्री अकाल तख्त साहिब जी की महान राखी करदिया होया, सिख गुरधामां की राखी करदिया होया और सिखी सिद्धांतां नूं बरकरार रखदिया होया, सिख पंथ की आन अते शान की खातर दमदमी टकसाल के 14वें मुखी कथनी करनी दे पूरे सूरे सूर वीर महाबली जोधे अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दी अगवाई विच उन्हां दे सहयोगी अमर शहीद भाई साहब भाई अमरीक सिंह जी प्रधान आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन, अमर शहीद जनरल सरदार सुबेग सिंह जी, अमर शहीद जथेदार बाबा ठारा सिंह जी, साध संगत जी, जून 84 दे घल्लूघारे विच दमदमी टकसाल जथे दे सिंह 90% सिंघां ने उत्थे शहीदियां दित्तियां हन। और इसी तरह आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन दे नौजवान भी अमर शहीद भाई अमरीक सिंह जी दी अगवाई दे विच उत्थे जूझदे होए आल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन जथेबंदी दे सिंघां ने भी उत्थे शहीदियां दित्तियां। इस तरह संत बाबा शीशा सिंह जी गुरद्वारा श्री लंगर साहिब तक श्री हजूर साहिब तो उन्हां वल्लों भी आए हुए 30-35 सिंह उत्थे मैदाने जंग विच जूझदे हुए शहीदियां पा गए। इस तों अलावा बब्बर खालसा जथेबंदी दे सिंह अमर शहीद भाई महंगा सिंह जी उन्हां ने भी इस घल्लूघारे दे विच अपनी शहादत दित्ती। इस तरह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे जो उत्थे सेवादार सेवा कर रहे सन, भावे उरागी सिंह सन भावे सेवादार सन, उन्हां सिंघां ने भी उत्थे शहीदियां दित्तियां। इस तों अलावा दल पंथ बाबा बिधी चंद जी सुर सिंह जथेबंदी दे सिंह भी उत्थे शहीद होए। और इस तरह धन बाबा बिधी चंद साहिब जी की अंश बंश और बाबा बिधी चंद साहिब जी की संप्रदाय मुंडे पिंड वाले बहुत ही सन्मानयोग संत बाबा अमरजीत सिंह जी मुंडे पिंड वाले उन्होंने जथे दे भी 7 सिंह उस घल्लूघारे दे विच शहीद होए। इस तों अलावा कार सेवा श्री तरन तारण साहिब बाबा जगतार सिंह जी दे जथे दे सिंघां ने भी उत्थे अपनियां महान शहीदियां दित्तियां। जिवें वख-वख जथेबंदियां दे सिंघां ने उत्थे महान शहादतां दित्तियां, कुरबानियां दित्तियां, उत्थे संगत दे विच्चों भी जिहड़ी बेअंत संगत उत्थे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी दे शहीदी गुरप नूं मनाउण वास्ते आए हुए सन, उन्हां संगतां विच्चों बजुर्गां ने, मातावां ने, छोटे छोटे बच्चियां ने, नौजवानां ने, उन्हां ने भी अपनियां शहीदियां देना कीतियां। सो साध संगत जी, इउं बहुत वड्डी उस अस्थान ते सचखंड श्री हरिमंदर साहिब श्री अकाल तख्त साहिब विखे शहीदां दियां लासानी शहीदियां हुईयां, कुरबानियां हुईयां, आपां उस घल्लूघारे दी, उस तीसरे शहीदी घल्लूघारे दी शहीदी वरेगंढ नूं और 36वां ये शहीदी समागम है, अज 36 साल हो गए, जिहड़े बच्चे जिन्हां दे उदों जन्म होए अज ओह नौजवान हन। इस करके साध संगत जी 36 साल ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਵਿਖੇ
हर साल दी तरह सारा इलाका नगर चौंक देश विदेश दियां समुचियां संगतां वल्लों बड़ी श्रद्धा पूर्वक इत्थे मनाया जांदा है। साध संगत जी, इन्हां शहीदां ने कौम दे इतिहास नूं बदलिया, कौम विच एक नवीं करवट पैदा हुई। इसे करके ये नारा साडे नौजवानां ने दिता सी कि भिंडरां वाला संत सिपाही जिसने सुती कौम जगाई, वो संत सिपाही मरदे मुजाहद शूरबीर योधे महाबली महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी, भिंडरां वालिआं ने दुनिया भर विच जो सुती हुई कौम सी, अविसले पुणे दी नींद विच सारी कौम सौं चुकी सी, अपने सिखी सिद्धांतां तों कौम वड्डी गिणती विच बेमुख हो चुकी सी और इन्ना विसलापन आ चुका सी कौम नूं अपनियां कदरां कीमतां सिद्धांत असूल अपना सुनहरी इतिहास अपने पुरखियां दीआं कुरबानियां बाणी बाणा सब कुछ भुल चुके सन। वड्डी पद्धर ते कौम दी नौजवान पनीरी सिखी तो बेमुख हो के बैठ गई सी। और साध संगत जी, जे कोई नौजवान दाड़े केस वाला कालजां विच यूनीवर्सिटियां दे विच जा के पढ़ाई करदा सी तां जिहड़े नास्तक कामरेड लोग सन वह मखौलिया अंदाज दे विच उस नौजवान नूं नीवां दिखाउण वास्ते उसका मनोबल डेकण वास्ते उस नूं बाबा कह के बुलाउंदे सन अते उहदा मजाक उड़ाउंदे सन कि नौजवान साडे वांगू दस्तार ला के सिर तो केस कतल करा के दाड़ा कतल करा के साडे नाल शामिल हो जाए। इस करके तां करके बहुत वड्डा मजाक दा पात्र किसे साबत सूरत नौजवान नूं बनाया जांदा सी। साध संगत जी, स्वामी सुब्रमण्यम दा जो कथन है वह किसे हद तक बड़ा सार्थक है। वो कहिंदे है कि जिस वक्त रशिया दे विच हुक्मराना ने बैठे होया ने ये गल भांप लई कि असी हिंदुस्तान ते राज करना चाहते हाँ, क्योंकि कम्यूनिजम जिहड़ा सी जिवें इसने चीन विच अज तक अपने पैर जमाए हुए हैं, पूरे रशिया विच भी अपने पैर जमाए हुए सन और वो चाहते सन कि हिंदुस्तान विच भारत दे विच भी अपने पैर जमाए जान और साडे पैर तां जम सकदे है जेकर असी हिंदुस्तान दे हर सूबे विच अपना राज स्थापित कर सकीए कम्युनिस्ट पार्टी दा। और वो साडा राज तां स्थापित हो सकदा जे लोग साडी सोच नूं मनन लग जान, लोग साडी सोच दे धारनी बन जान। उन्होंने सब तो पहला इस गल दा निशाना स्कूलां कालजां यूनीवर्सिटियां नूं बनाया कि यूनीवर्सिटियां विच्चों कालजां दे विच्चों पनीरी लोकां दी जां सिखां दी अगे जांदी है और इत्थों तैयार हो के अगे जांदी है। इस करके उन्होंने कालजां यूनीवर्सिटियां दे विच अपनी सोच दे धारनी टीचर प्रिंसीपल साहिबान यूनीवर्सिटियां दे वाइस चांसलर उन्होंने लवाए और हिंदुस्तान की हुकूमत ने उस समय की जालम हुकूमत ने उन्होंने पूरा साथ भी दिता, उन्होंने प्रफुल्लित करने विच बड़ा योगदान पाया। पर जदों 77 दे विच सचखंड वासी महापुरख संत ज्ञानी करतार सिंह जी खालसा भिंडरांवाले सचखंड प्याना कर गए तां दमदमी टकसाल दे 14वें मुखी महापुरख संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा जी थापे गए। उन्हां दी करनी उन्हां दी कशिश उन्हां दा जिहड़ा साध संगत जी एक अलौकिक प्रभाव सी वह इस धरती ते पैना शुरू होया और उन्हां दी बुलंद आवाज दे नाल नौजवान जिहड़े सी
उन्होंने महापुरखों ने उन्होंने आत्मा टुंबिया उन्होंने सुरत न सुती होई न जगया और वह नौजवान धड़ा धड़ साबत सूरत केस रखन लग पे सिरां ते दस्तारा बल के खालसे की चढ़दी कला का प्रतीक खालसाई चार रंगा दे विच्चों केसरी रंग दियां दस्तारा सजाउण लग पे और सिख धर्म का सिखी का बहुत वड्डा इत्थे जदों बोलबाला होण लगा और नौजवान कुरबानियां करन वास्ते हजारां दी गिणती दे विच तैयार होण लग पे तां उह सोच दे धारनी लोकां नूं हत्थां पैरां दी पै गई कि जे पंजाब विच राज असीं अपना बणाउणा है जां कम्यूनिज़म इस हिंदुस्तान विच असीं लागू करना है तां सानूं साडे राह दा ना कोई अकाली लीडर साडा रोड़ा ना कोई कांग्रसी साडे राह दा रोड़ा ना किसी होर पार्टी दा आगू साडे राह दा रोड़ा जे सब तो वड्डा रोड़ा जिन्हें नौजवानी सारी बदल के रख दिती है सारी जवानी नूं उन्हें सिखी सरूप दे विच लै आंदा और बल्कि वह नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुका कहन नूं बड़े लोग करदे आ फलाना लीडर नौजवानों के दिलों की धड़कन है कहन नूं खुशामद जिहड़ा मर्जी कोई करी जाए एक दूसरे की अहुदे लैण वास्ते जां होर लालच पूरे करन वास्ते जे उस वक्त भी और अज भी दुनिया भर विच बैठे नौजवानों के दिलों की कोई धड़कन है तो वह संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी हैं होर कोई नहीं नौजवानों के दिलों की धड़कन प्रैक्टिकल रूप विच भी तुसी अज वेख लो अजमा के वेख लो हर नौजवान भावे उहदा जन्म 84 दे वेले होया भावे 84 दे अटैक तो बाद होया पर जिनी जवानी संत बाबा जरनैल सिंह जी नूं समर्पित है दुनिया भर विच बैठे सिखां दी उन्नी जवानी किसी भी शख्सियत नूं ना समर्पित है ना ही रहेगी। सो सत संगत जी उन्होंने भांप लिया कि साडे राह दा रोड़ा इस नूं पासे कीतियां तो बिना असी अपने मकसद विच कामयाब नहीं हो सकांगे। फिर उन्होंने उस समय की जालम इंदिरा गांधी नाल मिलके सारियां गोंदां गुंदियां रशिया का बहुत वड्डा प्लैन सी और जिन्ना भी पोलट ब्यूरो का जिन्ना सारा ताम याम सी वो सारे इस गल लई पूरे विजिद भी सन यतनशील भी सन उन्होंने सारी बणत बनाई और उन्होंने इत्थों तक भी परवाह नहीं की कि जे संतां नूं शहीद करन लई सानू श्री हरिमंदर साहब ते हमला करना पवे अकाल तख्त साहब भी ढह ढेरी करना पवे तो हरिमंदर साहब ते हमला कर दिओ अकाल तख्त साहब नूं ढह ढेरी कर दिओ कोई परवाह नहीं। पर इहदा अंजाम इहदे नतीजे ओह लोक नहीं जाणदे सन। सुब्रमण्यम कहिंदे आ कि इंदिरा गांधी उस वक्त मैनू उन्हें एक बारी यह गल उन्हां दिनां विच पुछी कि मैं आ कुछ करन वास्ते अपने जीवन दे विच एक मनसूबा तैयार किया होया है तेरी की राय है क्यों वह बड़े पढ़े लिखे हुए हैं अर्थशास्त्री भी हैं और बड़े प्रसिद्ध एडवोकेट भी हैं एक बुद्धिजीवी होने के नाते उन्हां दी जदों राय लई गई वो कहन लगे मैडम तेरी जिंदगी दी ए सब तो वड्डी खुनामी और गलती होएगी जेकर तू ये कदम पुटेंगी। सत संगत जी और वो कहिंदे उस तो बाद मेरा मेल नहीं होया और इंदिरा गांधी दी जो सतीश जैकब और मार्क टली ने इंदिरा गांधी दी अंतली लड़ाई दी पुस्तक लिखी है उस गल उन्होंने उस पुस्तक दे विच भी यह गल लिखी है कि इंदिरा गांधी की जिंदगी की जे सब तो वड्डी कोई गलती सी हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री का जे सब तो वड्डा गुनाह सी उन्हें सब तो वड्डा गुनाह सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते हमला करके किया और जिसका खमियाजा उसनों भी भुगतना पिया उहदे खानदान नूं भी भुगतना पिया अज तक उहदा खानदान उह खमियाजा भुगतदा आ रहा है क्योंकि हरिमंदर साहब ते हमला करन वाले
जरवाणे दी कदे जड़ नहीं लगी रह सकती। सत संग जी यो जे जालमां दियां डणा धन गुरु रामदास साहब धन गुरु हरगोबिंद साहिब और जेड़े शहीद अपने सतगुरु दे उत्तों दी अपने सिद्धांतां दे उत्तों दी कुर्बानियां करके शहादतां दा जाम पीण वाले है वो अमरी रूहां ऐसे जालमां दियां जड़ां कदे लगियां भी नहीं रहन दे सकते। सो सात संगत जी ऐसा वो महान कल्लू घर है और तुसी देखो कि जदों सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते हमला होया ता 6 महीने भी जालम इंदिरा गांधी नूं राज दा सुख भोगण दा समा नहीं मिलिया। 6 महीने तो वध भी और अंगे ने 9वें पातशाह जी नूं शहीद किया सी और जिस दिन शहीद किया उस तो अगली रात औरंगजेब दिल्ली दे तख्त ते एक पल भी सुख दी चैन दी नींद नहीं सौ सकिया। शहीद भाई मती दास जी गुप्त रूप दे विच जा के औरंगे नूं उहदे शाही पलंग तो पटका के धरती ते मारदे सन जदों दी अख लगदी सी और कहिंदे सन कि ऐ जालम इस तख्त ते हुण तो सुख दी चैन सुख दी नींद नहीं सौ सकेगा जिस तख्त तो तू 9वें पातशाह जी नूं शहीद किया है। और इतिहास है कि औरंगजेब लम्मा समा मुड़ के दिल्ली विच नहीं रह सकिया और दिल्ली छड के उस नूं नरंगाबाद दे विच जाना पिया। औरंगाबाद दे विच अपनी जिंदगी दे अखीरले दिन बड़ी भयानक बीमारी दे नाल शहीदां ने ऐसा कहर वरताया कि औरंगजेब तिल तिल करके बड़ी भयानक बीमारी दे नाल तड़फ तड़फ के मरिया। शहीदां ने कमौते मौत उस नूं मारिया। जरूरी नहीं कि शहीद सिंह प्रतख रूप दे विच भी अपनी कला वरतौंदे है। कई बारी जिवें शहीद भाई बेअंत सिंह भाई सतवंत सिंह भाई केर सिंह उन्हां दे सिरां दी असवारी करके शहीदां ने इंदिरा गांधी तो बदला लिया। कई बारी शहीद सिंह ऐसे जालम नूं किसी होर रूप दे विच भी दंड अते सजा दे के उस तो बदला जरूर लैंदे है। सो सत संगत जी इस कारण जयकार कियो धर्मियां का पापी को दंड दियो ए पापियां नूं हमेशा वाहिगुरु दे दर तों बड़ी भारी सजा मिली है। सो आओ आपां अपने प्यारे शहीदां दी याद विच जुड़ के बैठे हाँ मन बिरती नूं एकागर करके सतगुरु जी दे गुर इतिहास दी कथा आप संगतां सरवण करो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी जैत शिंगारू जुग सिख भारी। साध संगत जी मैं इत्थे भी गल कह दिया कि जे रशिया ने उस हरिमंदर साहब दे हमले दी ब्यौंत बनाई एक उस महापुरख नूं शहीद करन लई हर साजिश घड़ी तां रशिया अज कैसी दुर्गत दे विच अपना समां गुजार रिहा। रशिया विच रहण वाले लोग जाणदे ऐ कि जिहड़ा रशिया अमेरिका तो बाद दूजे नंबर दी दुनिया दी सुप्रीम पावर सी अज ओह रशिया टुकड़े टुकड़े हो चुका है। उस रशिया दी अज कोई एक पावर नहीं रह गई। जिन्हां जिन्हां ने भी ऐसियां बनतां बनाईयां जिन्हां जिन्हां ने भी ऐसे बहुत वड्डियां गहरियां साजिशां रचियां उन्हां नूं जरूर उस पाप दा फल भोगना पै रिहा ते भोग चुके हन। इस लई सत संगत जी उन्हां शहीदां दे नाल जिन्हां लोकां ने मत्थे लाए ओह सुख ते चैन दी नींद नहीं सौ सके और उन्हां दा मनसूबा धरे दा धरिया रह गया संसार विच। जिहड़ी पार्टी दे लोकां ने सोचिया सी कि असीं अपना राज बना लवांगे सारी सृष्टि विच सारे दुनिया विच अज उन्हां लोकां नूं अपनी होंद बचाउण दे लाले पए होए है कि असीं अपनी पार्टी दी होंद नूं किवें बचा के रख सकांगे। ऐसी उन्हां दी दुर्दशा होई है। केवल धन गुरु रामदास जी दे घर नाल और धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे अस्थान श्री अकाल तख्त साहिब नाल और महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी नाल टक्कर लैण दा इह बजाना उन्हां नूं भुगतना पिया है। सो सत संगत जी आओ मन बिरती नूं एकागर करो। आप संगतां धन गुरु अर्जन देव साहिब जी दे इस गुर इतिहास दी कथा सुनो
धन गुरु अर्जन देव जी के पावन चरणों में भाई जैत और भाई शिंगारू ये दो सिख सतगुरां दे दर्शन करन आए हन। जोधा बड़े निरभय उपकारी, ये बड़े बड़े जोधे बहादुर सूरमे हन, बड़े निरभय हन, कोई डर भय इन्हां दे नेड़े नहीं आ सकदा। ते उपकारी भला करन वाले है, पर उपकार करन वाले गुरसिख दा हिरदा मोम नालों भी कोमल है। जे गुरसिख जंग दे विच जोधा हो करके जालम नाल मत्था लाउंदा ता उत्थे सिख किसे दुखी ते इन्ना तरस करदा, इन्ना करना दे विच आ के भर जांदा के किसे दीन दुखी दी सहायता लई अपनी जान भी सिख नशावर कर दिंदा। नहीं ता जिहड़े लोग मरन मारन वाले हुंदे आ उन्हां दा दिल पत्थर वर्गा कठोर हुंदा, उन्हां लोकां दे अंदर दया नाम दी कोई चीज नहीं होया करदी। आ कसाई लोग है जिहड़े जीवां नूं मारदे आ ना, उन्हां दे अंदर दया नाम दी कोई चीज नहीं होया करदी। पर जिहड़े गुरसिख जोधे है जिथे वह बली हन, आत्मक तौर ते बहुत वड्डे बलवान हन, जरवाणे नाल मुकाबला करन समय भय भीत नहीं हुंदे, निरभय होके डट के मुकाबला करदे है, उत्थे भाई वह परोपकारी भी हन, दुखियां दा दीनां दा वह भला भी करदे है। जे किसी जाति धर्म नाल महापुरखां दा विरोध हुंदा ता कदे गल ना कहिंदे, कपूर थले तो हिंदू वीर आए कहण लगे साडी रामायण दी बड़ी भारी बेदबी कर दित्ती, किसी दोषी वल्लों रामायण नूं साड़ दित्ता गया और सरकार दोषियां नूं पता होण दे बावजूद भी गिरफ्तार नहीं कर रही और साडे पास केस लड़न दे लई एक रुपया भी नहीं। ता महापुरखां ने साध संगत जी उसे वक्त उन्हां समयां विच 5000 रुपया वकीलां दी फीस दित्ती और प्रशासन नूं फोन करके ताड़िया, दोषियां दी गिरफ्तारी होई और उन्हां दे खिलाफ उन्हां हिंदू वीरां ने केस लड़िया। ये मीडिया दे एक हिस्से ने बहुत गलत प्रचारिया कि संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा हिंदुआं दे ओ विरोधी सन, जां हिंदुआं नूं ओ मारना चाहुंदे सन। ये गल कतई भी नहीं। साध संगत जी, जदों कोई बंदा किसी गल की अपनी प्रतिक्रिया प्रगट करता तो उसका जवाब उस रूप में देना होंदा। यह एक सदाचारक सिद्धांत है, असूल है, नीतिगत नहीं इनू कह सकते, एक सिद्धांतक गल है। जे भजन लाल ने गल कही सी के हिंदुस्तान दे विच जिहड़े सिख है वह मुट्ठी भर है और कहिंदे सैकड़िया हिंदुआं नूं एक एक सिख आउंदा, जे सिख ज़्यादा रौला पाउणगे तां सिखां नूं असीं जिउंदा नहीं छड्डांगे। उदों फिर संतां ने जिहड़ी उहने किरिया प्रगट कीती अपने मुखों प्रतिक्रिया दे रूप दे विच जवाब दित्ता कि जे तू ये गल सोचदा ना कि सिखां दा असीं मलिया मेट मिटा देंगे, सिखां नूं हिंदुस्तान दे विच्चों दबा देंगे, मार देंगे, ये गल भुल ना जाई कि तुसीं भी सिखां नूं छत्ती छत्ती दी गिणती दे विच ही आउंदे हो, एक एक सिख नूं। ते सिखां ने लखां जरवाणियां नूं मारिया, एक एक सिख ने हजारां ही जालम तुरकां दे नाल मुकाबला कीता। जे कोई जरवाणा ऐसी सोच रखेगा ना ते फिर उस लई सिख लिहाज भी नहीं करनगे। वो एक पोलिटिकल बंदे दा जिहड़ा बयान सी ना, जिन्हें सिखां लई नफरत उगली सी, नफरत की अग उगलछी सी, उसका जवाब दिता गया सी संतां वल्लों। जवाब देण दा महापुरशां नूं ए मजबूरी, उन्हां नूं ए लहजा वरतना पिया सी। सिखां दी इज्जत, सिखां दा मान, सिखां दा स्वैमान रखना सिख कौम दे आगुआं दा ए मुढ़ला फर्ज होया करदा। जिस कौम दी तुसी अगवाई करदे हो उस कौम दीआं सेवावां, उस कौम दे फर्जां दा ख्याल रखना भी फर्ज होया करदा।
इस करके संतान ने वह तां प्रतिक्रिया जाहिर की सी। और भजन लाल ने बड़े जुल्म किए सन, सिखां दीआं लड़कियां नूं नंगियां करके बाजारां दे विच घुमाया, निर्दोष सिखां दे वाल पुट्टे गए, केस कतल करके उन्हां ते जबर जुल्म हरियाणे विच कीते सन, तां उन्हूं इह जवाब दित्ता सी महापुरखां ने। वरना महापुरशां दा ना हिंदुआं नाल विरोध, ना मुसलमानां नाल विरोध, ना ईसाइयां नाल कोई नफरत, उन्हां दा नरोल जबर और जुल्म नाल उन्हां ने टक्कर लई है। जे हिंदुआं दे नाल ओह नफरत करदे हुंदे तां ब्राह्मण परिवारां दे सिख उत्थे महापुरशां दे नाल रह के शहीदियां ना दिंदे। बाबा मोहर सिंह जी, ज्ञानी मोहर सिंह जी, सूरो पड्डे वाले, वह सारे पंडित परिवार विच्चों सन, छोटे छोटे बच्चे उन्हां दी संगनी, अते ओह आप उत्थे इस घल्लूघारे दे विच शहीद हो गए। होर भी सिंह सन। इस करके साध संगत जी, मैं ये गल तां कहनी चाहुंना कि ये उन्हां लोकां ने ही संत बाबा जरनैल सिंह जी प्रति नफरत का बीज बीजिया सी, जिन्हां ने हरिमंदर साहब ते हमला करवाया, और उन्हां लोकां ने यह गल प्रचारी के संत हिंदुआं दे विरोधी सन। ये गल कतई नहीं हो सकती कि संत हिंदुआं दे विरोधी सन। संतां कोले तां बहुत हिंदू परिवार सन जिहड़े उन्हां दी संगत करदे सन, जेड़े उन्होंने रोजाना दर्शन करते सन, और जिन्हां नालों बहुत प्यार करते सन। सो साध संगत जी, बहुत हिंदू परिवारां दीआं लड़कियां नूं उन्होंने वसाया, और बल्कि एक हिंदू परिवार की लड़की नूं छड्ड दिता गया। संतां ने लड़के दे और लड़के दे परिवार नूं और लड़के नूं बुला के एक गल कही, कहन लगे अज तो बाद एक गल ख्याल नाल समझ के सोच के अपने दिमाग विच ये गल पा लो कि लड़की अज तो मेरी है, मेरी धी है। हिंदुआ दियां धीआं नूं उन्होंने अपनियां धीआं बनाया, तो इस लड़की वल कदे कहरी नगाह नाल नहीं वेखना, प्यार नाल रहो। जे कोई तुहानूं लोड़ है, जे तुसीं भुखे हो ना दाज दे, जिन्ना पैसा चाहिदा मैनू कहो, मैं सारा देण नूं तैयार हाँ। गड्डियां कारां चाहीदियां ओह दे दिन्ना, जमीन चाहीदी ओह दे दिन्ना, पैसा चाहिदा पैसा दे दिन्ना, सोना चांदी चाहिदा सोना चांदी दे दिन्ना, पर लड़की दा दुख मैं नहीं सहार सकदा। साध संगत जी, सारा कुछ एक हिंदू लड़की नूं वसाउण लई निशावर करन लई तैयार हो गए, और उस बच्ची नूं अपनी धी बना के तोरिया। इन्ना वड्डा उन्हां दे हिरदे विच प्यार और स्नेह सी मनुखता दी खातर, प्राणी मात्र दे लई, दुखियां मजलूमां गरीबां दे लई, ते फिर उन्हां नूं कोई किवें कह सकदा कि वह हिंदुआं दे विरोधी सन। ये उन्हां लोकां ने गल प्रचारी सी जिन्हां ने हरिमंदर साहब ते हमला किया। संतां दा मैं फिर कह दिया, जबर जुल्म दे नाल ही उन्हां ने लोहा लिया। संत संत हर धर्म का, हर कौम का, हर मजहब का सत्कार करन वाले, सारे लोकां दे सांझे वह मसीहा रूप दे विच उन्होंने कौम की, पंथ की, दुनिया की, मानवता की उन्होंने सेवा की है। सो साध संगत जी, आओ, वो इन्ने परोपकारी सन। परोपकारी जिहड़ा हुंदा ना सूरमा, वो जिथे जालम लई जरवाणा बन के टक्करदा, उत्थे मजलूम लई उहदा राखा बन के भी उहदी सहायता करदा है। इस करके जोधे जिथे बहादुर शूरबीर सन, बड़े निरभयता वाले सन, उत्थे परोपकार, भला करना, दुखियां दी मजलूमां दी रखिया ते सहायता करनी, इन्हां गुणां दे भी ये धारनी सन। श्री अर्जन तन संग उचारा, धन गुरु अर्जन देव जी नूं उन्हां ने बेनती कीती, महाराज साडे ते भी कृपा करके कोई उपदेश दिओ। तां धन गुरु अर्जन देव साहब जी ने कहा कि गुरसिखो, तुहानूं इही उपदेश है, इही साडी शुभ सिख्या है, कन्न दे के सुनना करो। हम स्वरूप जो खस्टम तारा, जदों असी छेवां स्वरूप धारण करांगे छेवीं जोत दे रूप विच, धरां शस्त्र दे दुष्टन दंड, उदों शस्त्र भी धारण करांगे ते जालमां नूं दुष्टां नूं डन्न भी सजा भी देंगे। करां तुरक गन को खंड खंड, जिहड़े तुरक जालम जुल्म करन वाले है, जुल्म करन वाले तुरकां नूं
हुण साईं मियां मीर भी तुरकी सी पर उह धन गुरु अर्जन देव जी का सेवक सी। इस करके हमजा डड्डा ये भी मुसलमान सन, सतगुरु जी दे सेवक सन, बहुत सिख सन, पर जालम जिहड़े तुरक है महाराज कहिंदे उहनां नूं टुकड़े टुकड़े करके मार देंगे। आयुध विद्या कर अभ्यास, शस्त्र विद्या का अभ्यास करावांगे अपने सिखां नूं। मीरन की मीरी ले पास, जिहड़े अमीरी है ना राजियां कोले जिन्नी दौलत जिन्ना साजो समान जो कुछ भी राज शक्ति दा प्रतीक है महाराज कहिंदे ये सारा जंगा युद्धां दे नाल मीरां दी मीरी लै लवांगे, अपने सिखां दी झोली विच मीरी भी पावांगे। शब्द प्रीत कर चित इमदे, मीरी की आ खालसे नूं सिखां नूं महाराज ने कोई भुखे नंगे नहीं, एक भुखिया नंगियां दी कौम नहीं साडी, ये पंथ साडिया देण वालियां दा किरत विरत कर धर्म दी हत्थों दे के भला मनाए। महापुरख संत बाबा करतार सिंह जी खालसा जी कहा करदे सन से कोई भखे भुखे नंगे जां साध संगत जी भखारियां दी कौम नहीं, ये तो दस गुरु साहिबाना ने दातियां दा पंथ साडिया है, दूजियां दी मदद करदे आ, दूजियां दी सहायता करदे आ, हथों दे के भला मनाउण वाले है, शुकराना करन वाले है। इस करके महाराज जी ने अपने सिखां नूं मीरी दित्ती है, बादशाह बनाया दुनिया दे, शाहूकार बनाया, शहनशाह बनाया, और ये अपने सिखां दे उत्ते महान रहमतां सतगुरु जी ने कीतियां। महाराज कहिंदे अमीरी जिहड़ी है, पातशाही जिहड़ी है, जां बादशाहत है, जिहड़े तख्त ताज है, ये शस्त्रां तो बिना नहीं कदे प्राप्त होंदे, ये शस्त्रां दे आसरे जंग युद्ध लड़के इन्हां नूं लिया जांदा और प्राप्त कीता जांदा है। तख्तां ताजां दे वारस जरवाणियां नाल जंग युद्ध लड़के ही वह प्राप्त किए जाते हैं, तख्त मल्ले जाते हैं। इस करके इस ढंग दे नाल मीरी भी लै लवांगे, बादशाहत भी खोह लवांगे वड्डे वड्डे जरवाणियां कोलों। शब्द प्रीत कर चित इमदे, और चित नूं गुर शब्द दे विच दे करके ला करके गुर शब्द दा नाम दा बाणी दा बार बार अभ्यास करके साधन करके बंदगी करके भगती करके तप करके पीरन की पीरी हर ले, जिहड़े पीर पूजा कराउंदे आ ना लोकां तों मत्था टकाउंदे अपनियां शक्तियां दा जलवा दिखाउण दा दावा करदे आ, अपने सिख नूं भगती बंदगी दे जरिए इन्ना बलवान इन्ना मजबूत कर देंगे, रिद्धियां सिद्धियां दा मालक अपने सिख नूं बना देंगे कि वह वड्डे वड्डे पीरां दी पीरी खो लवेगा। वड्डे वड्डे पीर भी जदों सिख दी करनी वेखणगे ना वह भी सिख दे अगे आके झुकणगे। भाई सुंदर शाह जदों बाबा विधी चंद जी सुंदर शाह दे कोले गए उहनूं डर पै गया कि इहदी तां इत्थे मेरे इलाके विच लखनऊ दे इलाके विच महाराज जी ने प्रचार करन भेजिया सी, बड़ी पूड़ा होण लग पई है, अपनी पीरी दा जलवा दिखाउण वास्ते शेर ते सवारी करके आया बाबा विधी चंद जी नूं डराउण लई कि मैं इन्ना शक्तिशाली पीर हाँ, एडा करामातियां कि मेरी असवारी शेर बन जांदे आ, शेरां ते मैं सवारी करदा ते तू मेरे मूहरे की बाग दी मूली है जिहड़ी तू पूजा कराउण लग गया। पूजा तो संगतां करदियां सन, सारे लोग टुट के बाबा विधी चंद जी दे चरणां विच आउण लग पए, पीरां दी पीरी खोह लई सतगुरु जी दे बचनां दे प्रताप नाल। जदों शेर ते चढ़ के सामने आया ना बाबा विधी चंद जी ने इक्को वारी निगाह भर के गहरे नेत्रां दे नाल जदों शेर वल तकिया ना शेर उत्थे बिल्ली मंगू खड़ गया, उत्थे रुक गया, सिंह बुलाई होए गयो तृण मेर दिखीता, जिहड़ा शेर सी ओह बिल्ली बनाता। सुंदर शाह बड़े मंत्र पढ़े, बड़ा शेर नूं पैर भी मारे उत्ते बैठा, आडियां भी बार बार मारे पर शेर गां नहीं तुर सकिया, वेख लिया कि मेरे तो वध शक्तिवान है। उसे वक्त ही शेर तो उतरिया आके लम्मा पै के डंडौत करके नमस्कार की।
यों सिखां ने शब्द की कमाई बंदगी भगती करके सतगुरु के दर तो सारिया शक्तियां भी प्राप्त कीतियां। महाराज कहिंदे अपने सिखां नूं शब्द दे नाल जोड़ के नाम अभ्यास नाल सिमरन नाल जोड़ के इन्ना शक्तिवान बना देंगे वड्डे वड्डे पीरां दी पीरी खो लवेगा। ते सिख एवें पखंडियां दे मगर जाके नक रगड़दे फिरदे आ भुले होए भटके होए। तुहानूं महाराज जी ने सारे ही खजाने दिते आ, तुसी मेहनत करो मशक्कत करो सब कुछ तुहानूं प्राप्त होएगा। गुर शब्द दी कमाई करो, नाम दी कमाई करो, बाणी दी कमाई करो, सेवा दी कमाई करो, सारा संसार तुहानूं घर विच बैठिआं नूं पूजेगा। बाणी विच एड्डी वड्डी शक्ति है, एड्डियां वड्डियां बरकतां हन। साध संगत जी ए सिंह अजे भी मौजूद है महापुरशां कोले। एक सिंह अपनी छोटी उम्र दे पचंगी नूं लै के आए और उन्हूं मिर्गी दा दौरा पैंदा सी। कहन लगे जी मिर्गी दा दौरा पैंदा, बड़े इलाज कराए ठीक नहीं होया। संत बाबा जरनैल सिंह जी दे सामने वो बच्चा मिर्गी दा ऐसा चक्कर आया घमेर खा के धरती ते डिग पिया, मूँह दे विच्चों झग आउण लग गई। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਐਡਾ ਭਿਆਨਕ ਦੌਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਿਰਗੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਚੇਗਾ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਠਹਿਰ ਧੀਰਜ ਕਰ, ਗੜਵਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਲ ਚੁਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਚੰਗੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਪੀਰੀ ਵੀ ਖੋ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਰਿਪ ਕੋ ਲਬਣ ਖਾਤ ਹੈ ਜੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਨਿਜ ਸਰੀਰ ਕੋ ਅਰਪ ਹੈ ਸੋਏ, ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਂਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਲੂਣ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋ ਛੋਰ ਕਬਹੂ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਬਚਨ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੂਣ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕਹਿ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ, ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਵਰਿਆਮਾ ਵਰਿਆਮ ਸੰਜਾਪੈ। ਜਿਹਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਕ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਹਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸੰਕਟ ਵੈ ਸੇਵਕ ਭੱਜੈ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਨਾ ਜੀਵੈ ਦੋ ਕੁੱਲ ਲੱਜੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੀਤੇ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੱਚਨ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ
तो चले जाओ, मैं तुहाडे ते प्रसन्न है, नाराज नहीं। सात संघ जी धन योधे सन, धन बहादुर सूरमे सन, जथे दे सिंह, एक सिंह ने भी यह गल नहीं कही कि असी घर नूं जाना। सारे ने कहा महापुरखो साडे धन सुभाग इस दमदमी टकसाल दे विच रहण दा सानू सुभागा समा मिलिया। जथेबंदी विचों सारे सानू लोग परलोक दे सुख ते पदार्थ मिले। महापुरखो हुण तां तुहाडी अगवाई विच जीवन सफल करन दा समा, करोड़ां जन्म तप करके भी वड्डे तो वड्डे तपस्वी नूं शहीदां वाली मौत नहीं मिलदी, ते तुहाडी संगत विच रह के जे शहीद हो जाइए इस तों वड्डी किरपा की होएगी। साडा तन साडा जीवन सफला होण जा रहा, इस करके सानू ये गल ना आखियो कि तुसी इत्थों चले जाओ, जे तुसी इत्थे शहीदी पाओगे तां असी तुहाडे तों पहला इत्थे शहीदियां देंगे। तां उन्हां सिंघां नूं सारिआं नूं नमस्कार है जिन्हां ने हस हस के शहीदियां दित्तियां। साध संगत जी, वह सूरमे कोई ऐवें नहीं सन, धुरों वरों साईआं होईआं वह महान आत्मावां सन। सो महाराज कहिंदे वी अपने मालक दा लूण खाणा ना, जे उत्ते कोई मुसीबत आ बणे ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰਪ ਦਿਓ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੈਂ ਹਮ ਸੁਖ ਦੈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦੇ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਸ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਓਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਲੂਣ ਖਾਧਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਰਹੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਾਂ ਭੁਗਤ ਉਤ ਮੁਕਤੀ ਪੈ ਹੈ, ਜੇ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਊਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ, ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ, ਮੁਕਤੀ ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਕੋ ਕਾਲ, ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਭਿਆਨਕ ਪਾਪ ਹੀ ਪਾਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਸਿੱਖਨ ਹਮ ਲੇਹੇ ਸੰਭਾਲ, ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਨੀਆਂ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੁਮ ਅਬ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਟਿਕ ਰਹੀ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਤਰੀ ਸੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ ਕਾ ਸੂਰ, ਉਨ ਦਾਨ ਕਾ ਕਰੈ ਸਰੀਰ, ਖੇਤ ਪਛਾਣੈ ਬੀਜੈ ਦਾਨ, ਸੋ ਖੱਤਰੀ ਦਰਗੈ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਆਗਿਆ ਮਾਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਲਹੀਏ, ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਨਕੇ ਸੰਗ ਯੁੱਧ ਕੋ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਰਚਣਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਚਣਾ ਤੇ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਣੇ ਹੈ।
इस करके महाराज कहिंदे तुसीं छेवें सरूप च उहनां दे नाल रहि के धर्म दे जंग भी करने तुरकन हतो शस्त्र कर धरकै तुरकन हतो तुरकां नूं जालमां नूं शस्त्र धारण करके जिहड़े जालम उहनां दा नाश करना मारना है हाथ जोर सो मानत पए हाथ जोड़ के ना गुरसिखां ने सतगुरु दी आग्या मन्नी सिर चुकाया श्री हर गोबिंद ढिग चल गए जदों पंचम पातशाह जी दी शहीदी होई उस तो बाद ये दोनों सिख धन गुरु हरगोबिंद साहब जी दे पास गए सेवा विच रहे समीप शस्त्र धर सूरे सतगुरां दी सिखां दी जोधियां दी फौज विच नाल रहिंदे सन और शस्त्रधारी बन के तैयार बरतियार ये गुरसिख सतगुरां दी सेवा विच अठे पैर कमर कसा करके रखदे सन विद्या अभ्यास है गुर पूरे पूरे गुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब जी शस्त्र विद्या दा अभ्यास अपने गुरसिखां नूं करवाउंदे सन शस्त्र विद्या भाई जरूर अपने बच्चे बच्चियां नूं सानूं सिखाउणी चाहीदी है गतका जिहड़ा सानूं बख्शिया इह साडी शस्त्र विद्या है जिन्हें भी शस्त्र दुनिया भर दे हर सिख नूं चलाउणे आउणे चाहीदे है अवेसलापन नहीं कदे करना दिल्ली दे विच कानपुर दे विच इन्हां शहरां दे विच सिखां दा को के लभ लभ के जिहड़ा कतलेआम कीता गया ना उसदा इक वड्डा कारण सी कि असी शस्त्र छड के बह गए शस्त्रां दा ख्याल नहीं कीता शस्त्रां नाल प्यार नहीं कीता शस्त्र विद्या ना सिखी तां सानू इन्नी मार पई जिथे जिथे सिंघां कोले शस्त्र सन उत्थे कोई भी जालम नेड़े नहीं आ सकिया इस करके गुरसिखां नूं शस्त्रां नाल बहुत प्यार करना चाहिए शस्त्र विद्या हर सिख नूं आउणी चाहीदी है धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे बचन हन अस किरपान खंडो खड़ग तुपक तबरार तीर साहब सरोही सहती यह हमारे पीर पीर कह के सन्मान दिता कि साडे सब तो पूजनीक शस्त्र हन पीरां नूं जिवें दुनिया पूजदी आ असीं शस्त्रां नूं पूजदे हाँ शस्त्र पूजा करनी सिखाई सतगुरु जी ने इस करके भाई शस्त्र गुरसिख नूं अपनी जान नालों भी वध प्यारे रखने चाहीदे कितक काल बीत्यो ढिग रहे इन्ना समा सतगुरु जी दी हजूरी विच सेवा करदे रहे ले प्रवानगी गुर के कहे गुरु महाराज जी दे कहण तों आग्या लैके अपने घर नूं कुछ समय ली गए इह फेर अपने सदन रहे दोए मास भाई जैत भाई शिंगारू दो महीने अपने घर विच जाके रहना कीता जाके आए एक जोगी मिल कर तिन पास इन्हां नूं एक बड़ा रसैणी जोगी मिलिया जो रसैण विद्या दा बड़ा माहर सी भयो प्रसन्न रसायन दीन ओदी इन्हां ने सेवा कीती संत जान के गुरसिख साधु संत दी गुरसिख दी संगत दी सेवा करदा संत जान के उदी सेवा कीती लंगर छकाया जल पानी वस्त्र जथा शक्त सेवा करदे रहे अपने घर विच ओ इन्हां दी सेवा तो प्रसन्न हो के उसने इन्हां नूं रसायण दित्ती एक नुस्खा दित्ता बनाया होया एक बिल भरयो हरख कर लीन ओ एक साध संगत जी मिट्टी दे कुजे विच ओ सारी रसायण बना के ढक के इन्हां नूं उसने ए नुस्खा बड़ा कीमती बना के देना कीता अपने कोलों सो विचार कर ढिग लै आए और विचार करके तो सारी जुगती पुछ के ओ जिहड़ी कीमती नुस्खा सी ना रसायण दा बनाया होया ओ इन्हां ने आप नहीं वरतिया क्योंकि सिख कीमती तो कीमती वस्तु गुरु नूं भेटा करदा सब तो कीमती वस्त्र सब तो कीमती पदार्थ सब तो कीमती कोई भी वस्तु है वो अपने सतगुरु नूं भेटा करनी शरदा नाल सत्कार नाल भावना नाल सिंह साहब महाराजा रणजीत सिंह जी वर्गा कोई विरला ही सिख सी उन्हां दे तोशे खाने विच उन्हां दे दरबार विच दुनिया भर की जिहड़ी सब तो मुल कीमती वस्तु आई उन्होंने सचखंड श्री हरिमंदर साहब धन गुरु रामदास जी के चरणों में भेटा की कोई राजा है उन्होंने तो बाद अज तक होया सिख तो उन्होंने भी वध तनाड़ बैठे दुनिया में अज भी पर बेशकीमती वस्तुआं अपने खजाने दियां धन गुरु रामदास जी के चरणों में भेटा कीतियां
अज ताई उन्हां दा नाम धन गुरु रामदास जी दे चरणां विच सदा गूंजदा। इस करके भाई अपने सतगुरु दा जिथे तक हो सके, जेड़े लोग कहिंदे भेटा ना चढ़ाओ, आ ना करो, वह ना करो, अज पता लग गया कि गुरद्वारियां दे विच चढ़िया होया चढ़ावा ही दुनिया लई काम आया, लंगर चले संसार भर विच। ये गुरु की गोलक दा ही प्रताप है, गुरु किया गोलकां करके दुनिया भर विच अज लंगर चले महामारी विच, ते दुनिया विच सिखां दा नाम रोशन होया। अमेरिका वर्गे राष्ट्रपतियां ने, विदेशां दे राष्ट्रपतियां ने, इस हिंदुस्तान दे वड्डे वड्डे बुद्धिजीवियां नूं इह गल कहनी पई कि दुनिया विच जे दान देना तां गुरद्वारियां नूं दान दिओ। और राष्ट्रपति अमेरिका दे ने इह गल कही, कहिंदा हर दुनिया दे मुल्क दे विच, हर दुनिया दे मुल्कां दीआं स्टेटां दे विच इक इक गुरद्वारा होना चाहीदा। गुरद्वारे काम आए महामारी दौरान, दुखियां दी सेवा लई होर कोई काम नहीं आया। गलत प्रचार करके एवी गलत भुलेखे पैदा करी जाने, भाई गुरु महाराज नूं भेटा करनी है साडा फर्ज है, असीं बंदे नूं नहीं गुरु नूं भेटा कर रहे हैं। ये गुरु दे खजाने, गुरु दी सेवा विच, मानवता दी, प्राणियां दी, दुखियां दी सेवा विच ही सफले हो रहे हैं। सो इस करके इन्होंने सब तो कीमती अमोलक वस्तु जान के सतगुरां दे पास ही लैके आए। गुर खस्टम को सो अरपाए, और रसैन दा जिहड़ा बड़ा वड्डा साध संग जी अमोलक खजाना सी, जिहड़ा ओ बर्तन सी, ओ सतगुरु जी नूं लिया के श्री अकाल तख्त साहिब भेटा कर दिता। लगे सुनावन गुण एह पारे, फिर जिवें ओ संत सन्यासी ने दस्या सी, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ, ਉਸ ਰਸਾਇਣ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਰੀ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਹ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦਇਓ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪਾਰਦ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸੰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ। 52 ਤੋਲੇ ਰੱਤੀ ਪਾਓ, ਮਹਾਰਾਜ 52 ਤੋਲੇ ਤਾਂਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂਬਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕੱਢ ਕੇ ਉਸ 52 ਤੋਲੇ ਦੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਕੰਚਨ ਕਰਤ ਸੁਹਾਓ, ਤੇ ਉਹ 52 ਤੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂਬਾ ਨਾ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਾਵਰ ਭਰ ਨਰ ਜੇ ਖਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੌਲ ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਖਾ ਲਵੇ, ਸ਼ੁਦਾ ਸਵਾ ਮਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਵਾ ਮਨ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਘੱਟ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਥੋੜਾ ਖਾਂਦਾ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਤਾਕਤਹੀਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਾਂ ਮਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਗਰ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਪਚਾ ਸਕਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਗਜ ਸਮ ਬਲ ਕੋ ਧਾਰਨ ਕਰੇ, ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਗ ਸਰਬ ਤਨ ਕੇ ਪਰ ਹਰੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੂਰਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਖਾਸ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਉਚਰਿਓ ਤਿੰਨ ਕੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਮਾਰਿਓ ਪਾਰਦ ਸਮ ਮਨ ਕੋ, ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁਆਰਾ ਮਨ ਰੂਪ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ, ਪਾਰੇ ਸਾਥ ਨਾ ਸੋ ਹਿਤ ਧਰਤ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਪਾਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ,
ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਤਾਂਬੇ ਤੇ ਕੰਚਨ ਕਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਾ ਤਾਂਬੇ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੀਜੈ ਬੇ ਨਾਵੇ ਅਵਰ ਨ ਪਾਇਆ ਰਾਮ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਲਿਪਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨ ਰੂਪ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਾਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਮਾਰੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਅਨੂਪ, ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਅਨੂਪਮ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਜੀਵ ਬਣੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਜੀਵ ਮਾਰਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮਨ ਮਾਰੇ ਧਾਤ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹੀ ਜੀਵ ਉਲਟ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਉ ਕਾਮਨਾ ਪੁਰ ਹੈ ਤੁਮਾਰੀ, ਚੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਚਾਵਰ ਪਰ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ ਚੌਲ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਸਾਇਣ ਉਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ। ਉੱਪਰ ਤਰੇ ਪਾਨ ਦਵੈ ਦੈਕੈ, ਦੋ ਕੋਮਲ ਪੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਕਰਿਓ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਲੈ ਕੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਤੂ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਛਕ ਲਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਵਸਤੂ। ਪੁੰਨ ਬਿੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਮਹਿਗੇਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਰਸਾਇਣ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਜਾਓ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਜਲ ਵਿੱਚ। ਕਰਮ ਰਾਤ ਬਾਤਿਨ ਹੈ ਉਚੇਰਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਰਾਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਹੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਮਿਟਣੇ ਹੀ ਮਿਟਣੇ ਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਗ ਸੀ, ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਚੁੱਭਾ ਲਾ ਕੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭਾ ਲਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਅਤ ਸਮੀਪ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੀਨ, ਆਪਣੇ ਅਤਿਅੰਤ ਨੇੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਬਖਸ਼ੀ ਸ਼ਕਤ ਮਹਾਬਲ ਕੀਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਅੰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਇਹ ਅਗੰਮੀ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਪਰੇ ਜਹਾਂ ਤੁਰਕਨ ਸੰਗਰਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਏ ਛੇਵੇਂ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤਹਿ ਤਹਿ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੂਰ ਬੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲਿਆ, ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ, ਔਰ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਤਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
आओ सारे मन दियां बिरतियां नूं एकागर करो थोड़े मिनट शहीदां दी याद विच मूल मंत्र वाहिगुरु मंत्र दा जाप करिए कोई रसना खाली ना रहे। अज पंजवां दिन है घल्लू घारे दा, कल नूं शहीदी समागमां दी संपूर्णता हो जाणी है, इस करके शहीदां दी महापुरखां दी मिठी याद विच आपां सारे कोई रसना वांझी ना रहे, मूल मंत्र वाहिगुरु मंत्र दा एक सुर हो के जाप करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप
नाद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच वाहिगुरु 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 सतनाम श्री वाहिगुरु सात संग जी जिन्निया संगतां तुसी बड़ी श्रद्धा भावना दे नाल शहीदी घलूकारे के इन्हों समागमां विच शहीदी दीवाना विच एक जून तो लैके अज तक हाजरियां भरते रहे हो तुहाडे सारयां दे चरणां विच दास दी सनिमर बेनती है कि कल नूं 9:15 बजे श्री अखंड पाठ साहिबां दे भोग महापुरखां दी और शहीदां दी याद विच जो ये लड़ी 1 मई तो चल रही है ये भोग प्रारंभ होने हैं। 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिबां दे भोग की अरदास होएगी, उपरंत कीर्तन और कथा होएगा। 1 बजे दे लगभग सारी समाप्ति है। सारियां संगतां भोग तो लैके 1 बजे तक समय सिर पहुँच के पाई, सारिया ने शहीदां दी याद विच हाजरी भरनी है। फिर सारिया ने लंगर छक के घरां नूं जाना, ये दास दी बेनती है। चेहरे बन के रखियो और जेड़े चेहरे नहीं बन के रख सकते हो थोड़ा थोड़ा दूर हो के बैठे हो, ये जरूरी बेनती आप जी ने प्रवान करनी कि कल नूं सुबह असली तां शहीदां दे ये शहीदी समागम की संपूर्णता कल दे दीवान विच होनी है। ये शहीदी घलूकारे की संपूर्णता भी कल नूं होनी है, क्योंकि महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी की शहादत भी 8:45 ते होई और दूजे शहीद भी क्रमवार हौली हौली सारे समय नाल शहीद हो चुके सन। इसलिए भाई कल नूं उन्हां समुचे शहीदां दी महापुरखां दी याद विच अरदास विच शहीदी समागम विच आप जी ने सारिया ने भोग तो लैके 1 बजे तक समय सिर पहुँच के हाजरी भरनी है। जिन्हां सिंघां ने जथे दे सिंघां ने लंगर की बड़ी चढ़दी कला नाल लंगर वरताउण दी और लंगर बनाउण दी सेवा कीती है, मैं उन्हां सारे सिंघां दा और बाहरों संगत दे विच्चों भी जिहड़े सिंघ सेवा विच लगदे रहे है मैं उन्हां दा भी रोम रोम करके धन्नवाद करदा। जथेदार बाबा अजीत सिंह जी, भाई हरदेव सिंह जी बूढ़े नंगल वाले जो लंगर विच अठे पैर सेवा कर रहे है, अटारी वाले हलवाई सिंह जो सारिया सेवावां लंगर दे पदार्थ बनाउण दियां रात दिन विचारे निभा रहे है, 1 तरीक तो लगे हुए हैं उन्हां सारे सिंघां दा। इसे तरह जथेदार भाई जरनैल सिंह जी का, ज्ञानी गुरसेवक सिंह जी का, इस तो अलावा डॉक्टर अवतार सिंह जी बुटर, भाई हर्षदीप सिंह जी, ये सारे नौजवान आपो अपनी थान से सेवा कर रहे हैं। और साडे जो दमदमी टकसाल चैनल दे ये सारे सिंह वीर इन्हां प्रोग्रामां नूं लाइव करन दे विच इन्हां ने बहुत वड्डी सेवा निभाई है, निभा रहे हैं। मैं इन्हां सारयां दा और पत्रकार वीर सरदार जगदीश सिंह जी बमरा, भाई पाल सिंह जी, कैप्टन सिंह जी और जिन्हें भी सारे अखबारां दे पत्रकार है इन्हां वीरां दा भी बहुत बहुत दिल दी गहराई विच्चों धन्नवाद करदा। प्रिंसीपल सरदार गुरदीप सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्नवाद है और मास्टर जसवंत सिंह जी का भी बहुत बहुत धन्नवाद है। सारी संगत का ही इलाका निवासी नगर निवासी
चौंक दी संगत सब दा ही रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद है। अज दे समागम विच महापुरख संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवालियां दे सपुत्र भाई साहब भाई ईश्वर सिंह जी पहुंचे है, संत बाबा सुरजन सिंह जी बताले वाले, संत बाबा सुरेंद्र सिंह जी टाली साहब वाले, संत बाबा सुखवंत सिंह जी चननकिया वाले और संत बाबा गुरदीप सिंह जी चननकिया वाले अते होर धार्मिक हस्तियां जिन्हें भी महापुरख पहुंचे है मैं सब दा ही रोम रोम करके बहुत बहुत धन्यवाद करदा। भाई अमरबीर सिंह जी ढोट प्रधान सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन मेहता, इन्होंने भी श्री अमृतसर साहिब शहर विच फ्लैक्सां दी सेवा कीती है, इस वेरी समागम सीमित रखे है, नहीं तो सारिया संगतां बहुत वड्डी सेवा करदियां हन इन्हां समागमां दे विच, इसलिए इन्होंने श्री अमृतसर साहिब फ्लैक्सां दी सेवा करवाई है। इस तरह भाई अमरजीत सिंह जी चहेड़ू, भाई दीपा सिंह जी कोटली, इस तरह भाई करमजीत सिंह जी डिप्टी परागपुर, इन्हां सिंघां ने लंगर दे विच बड़ी श्रद्धा नाल अपनियां सेवावां अर्पित कीतियां। भाई गुरदेव सिंह जी बढ़ियाणा वल्लों, साध सिंह जी कल नूं रौ दा और इस तरह छबील की सेवा उन्हां वल्लों कीती जाएगी। खालसा अकैडमी वल्लों छबील की सेवा संगतां नूं ठंडा मिठा जल छकाउण की सेवा होएगी। इस तों इलावा बाहरले मुल्कां दे विच्चों इंग्लैंड दे विच्चों भी संगतां ने और अमेरिका चो चेचे तौर ते जथेदार बाबा धर्म सिंह जी जो गुरद्वारा श्री गुरु नानक प्रकाश ट्रेसी विखे उन्हां सारे स्थानां दा प्रबंध जथेबंदी वल्लों चला रहे है, उन्होंने भी बहुत सेवा की है। कनेडा तो भी भाई सरबजीत सिंह जी ढिलों, भाई मनधीर सिंह जी ढिलों, भाई जोरावर सिंह जी, इन्हों परिवार ने भी अपना योगदान इन्हों सेवावां दे विच पाया है। सो अमेरिका तो भाई दलवीर सिंह जी टरलक जो अमर शहीद ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी चक राजू वाले जिन्होंने महापुरखों के नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब महान शहादत का जाम पीता, उन्होंने सपुत्र भाई साहब भाई दलवीर सिंह जी टरलक वाले, उन्होंने भी लंगर की सेवा दे विच चल रहे अखंड पाठों के प्रवाह विच अपना योगदान पाया। भाई दलवीर सिंह जी मनटिक्के वाला परिवार, उन्होंने भी बड़ी भारी सेवा की है। जिन्हिया भी संगतां ने देश विदेश तो सब ने बहुत सेवा की है। इसे ही तरह साध संगत जी भाई परमजीत सिंह जी पट्टी जो लाइव चैनलों के नाल बहुत वड्डा सहयोग करते हैं, मैं इन्हां सारयां दा बहुत बहुत दिल दीआं गहराइयां विच्चों धन्नवाद करदा। हुण समां अगे जाण दी आग्या नहीं दिंदा, हुण अरदास होएगी, अरदास तो उपरंत श्री मुखवाक और प्रिंसीपल गुरदीप सिंह जी कुछ बेनतियां करनगे, उपरंत जथे दे छोटे छोटे भटंगी है उन्हां दा ही बड़ा उत्साह उन्हां दे मन विच कविता पढ़न दा, छोटे छोटे भटंगियां ने जथे दे सिंघां ने तुहानूं कविता सुनाउणी है बड़े प्रेम नाल, देव वरतदियां कविता भी सुननी है। उस तो उपरंत सत संगत जी आप जी वास्ते शहीदां वल्लों ये गुरु का लंगर तैयार है, शहीदां दा लंगर समझ के तुसी सारयां ने लंगर छक के बड़े प्रेम दे नाल फिर घरां नूं जाणा। मेरे नाल मेरे सनमुख सत्कारयोग ज्ञानी जस्सा सिंह जी बैठे है जो इन्हां दिनां विच रोजाना हाजरी भर रहे है, मैं उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदा। ज्ञानी हीरा सिंह जी मनहाले वाले, भाई हरचंद सिंह जी, भाई गुरदीप सिंह जी, सारे सिंघां दा बहुत बहुत धन्नवाद। भगत सुच्चा सिंह जी जो सिंघां नूं गुरबाणी की संथ्या करवाउंदे है, ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਰੇ ਜਹਾਂ ਤੁਰਕਨ ਸੰਗ ਰਾਮੂ, ਤਹਿ ਤਹਿ ਕਰੇ ਵੱਡੇ ਤਿੰਨ ਕਾਮੂ, ਹੇ ਗੋ
गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल प्राण नाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ अगम पूरन मोहे मया तार अंधकूप महापयान नानक पार उतार हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास हे संगी हे निरंका हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जाकै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे हह पीहो वनहार हे संत है कै सदा संग निधार आधार हे ठाकुर हों दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय नानक दीजे नाम दान राखो हिए परोय आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल श्री वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह तू ठाकुर।